लगा है, फरवरी में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, तो आज मेरा जाना हो पा रहा है, तो मेरे साथ में मेरा छोटा भाई रवि। तो क्या भाई एक्साइटेड है ना? बहुत ज़्यादा। ये रहा मेट्रो जस्ट बगल में, और ये है पीछे की तरफ पार्किंग, और यहीं से अब अपन आगे निकलते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे, जो इंटरनेशनल लेवल के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, ये रहा विश्वविद्यालय। चल भाई आ जा। और वो देखो बाबा उठा रहे पानी की बोतलें, यहीं से चला जा, मेट्रो कार्ड निकाल ले। अभी जस्ट मेट्रो से आ चुके हैं बाहर। तो अगर आप ये, अभी मैं उतरा हूँ बड़कल मोड़ पे, यहाँ से हार्डली 15 to 20 मिनट और मैक्स लगेंगे हमको, देन वी विल बी अराइव। और साथ में है हमारे और मित्रगण, जस्ट अभी आ ही चुके हैं सूरजकुंड मेला। तो ये अपन मित्रगण है, ये मेरा छोटा भाई विवेक भाई, और ये रोहित भाई है हमारे, नोनी भाई हाय कर दो। तो ये भी आज सूरजकुंड आ रहे, तो पहले ये बताओ भाई कैसा एक्सपीरियंस है सूरजकुंड मेला का? जबरदस्त। सोनू वो रह गया पीछे, वो भी जैसे ही आएगा। और हमारे मित्र विवेक भाई, भाई आप कुछ कहना चाहोगे? देखो यहीं पर ही सामने से काफी सारे लोग आ रहे हैं जो मेला घूम के आ चुके हैं। यहाँ पहुंचे हैं वो है गेट नंबर 3, और गेट नंबर 3 के जस्ट बाहर है टिकट काउंटर, तो यहाँ पे मिल रहे हैं टिकट। तो अभी आ गए गेट नंबर 3 पे, और यहाँ पे ये बहुत प्यारा शेड बनाया हुआ है, जिसमे की भाई जेंट्स इस तरफ से जाएंगे और लेडीज इस तरफ से जाएंगे। तो यहाँ पे हो रही है सिक्योरिटी चेक, और आ रहा है, और अब दिखाते हैं यहाँ के सूरजकुंड के नज़ारे आप सभी को। सब लोग पीछे टिकट इन्होंने ले रखी है, और भाई काफी अच्छा सा फील आ रहा है, एकदम गांव देहात वाली सी चीजें यहाँ देखने को मिलती। तो भाई ये है हमारा यहाँ का एंट्री गेट, और यहाँ पे जो है अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक भैया चूड़ी बना रहे हैं ताजी, तो कुछ ऐसे ये चूड़ियाँ तैयार हो रही है यहाँ पे, बढ़िया ये इन्होंने ऐसे ही तैयार की है। तो कुछ बना रहे थे कुछ ताजी चूड़ियाँ, भाई मेले में काफ़ी भीड़ है, और बंदे साथ के आगे निकल चुके हैं, और संडे का दिन है इसलिए भी थोड़ा रश है इस तरफ। इतने प्यारे प्यारे डोरमेट है, तो ये हैं 4 चौके, डोरमेट ही है ना, ये सारे डोरमेट है ना, सारे डोरमेट है, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे डिफरेंट है, ये टाइगर वाले भी हैं। बस आगे चलने पर यहाँ पे जो दिख रहे हैं, मतलब टिपिकली आइटम है, जैसे यहाँ भी अपने को दिख रहे हैं तो डोरमेट ही दिख रहे हैं, सेम ऊपर की तरफ भी डोरमेट है, तो टिपिकल सी चीज़ें हैं। और ये बहुत प्यारा एक लगा मुझे इसमें, ये तुम्हारा जो बस्तर आर्ट को एक फॉर्म करके इन्होंने लैम्प बनाया हुआ है, बहुत प्यारे प्यारे हैं बस्तर आर्ट के, उस पर बनाए हुए सारे ये देख रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी है। अभी ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब लाइट इसमें शाम को रात को लाइट जलती है तो बहुत प्यारे ये ग्लो करते हैं, और सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं। भैया बड़े वालों का प्राइस क्या होगा? कह रहे हैं भैया जो कह रहे हैं कि ये जो लैंप है इसका प्राइस जो है 2000 के आसपास है, काफी टफ भी है यार ये। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेले में सबसे अच्छी एक चीज है कि ये जो शेडिंग जो की हुई है ना वुड, उसकी घास की, पुराने जो गांव में छप्पर बोला करते थे, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है देखने में ऐसे में, और कंप्लीट शेडिंग ऐसी की हुई है, और हर जगह अलग अलग इंस्टॉल है, हर इंस्टॉल पे एक नंबर लिखा हुआ है, और उसी नंबर पे वही पर्टिकुलर आइटम मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यही सिर्फ मूर्ति वगैरह मिलेंगे, सेम आगे चलेंगे तो अगर दूसरा इंस्टॉल है तो हर इंस्टॉल का एक अपना नंबर है। प्यारे यहाँ पे बस्तर आर्ट है, तो जिनको थोड़े शौकीन है उन्हें तो पता ही होगा कि बस्तर आर्ट कितनी फेमस है, और ये मेटल आर्ट है एक्चुअली, और वॉल वाला वो काफ़ी देखा भी है मैंने, काफ़ी जगह ना काफ़ी इंटीरियर डिजाइनर वो जो यूज़ करते हैं। यहाँ भी पेंटिंग है हर इंस्टॉल पर, अभी तो मुझे जो दिख रहा है पेंटिंग ही दिख रही है, और भाई पेंटिंग तो काफ़ी महंगी है यहाँ पे, और प्राइस तो कॉस्टली है नो डाउट, क्योंकि भाई इन लोगों को भी देना ही होता है इंस्टॉल लगाने का, डेली का जो भी इनका किराया भाड़ा है जो भी पर देते हैं, लेकिन काफ़ी बाहर से भी लोग आए हुए इधर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया यहीं के लोग हैं। भैया ये किसी का पौधा है पीछे? एलोवेरा तो नहीं है? भैया बना रहे यहाँ बेल। तो भैया खाने पीने का आइटम तो अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं, आइटम मिल रहा है, ये क्या चीज़ है बता, ये है क्या चीज़? पानी में डाल के आवाज आती है, ये नई चीज है। ओ भाई सही में है, पानी खत्म हो जाएगा तो चिड़िया बजेगी नहीं, नहीं बजेगी ना चिड़िया, ये मिट्टी की है। अरे वाह भाई मजा ही आ गया, देखो ऊपर की तरफ कितना प्यारा सजा हुआ है इन्होंने पेड़ पौधों को, बहुत बढ़िया। भाई को दिखे कुछ प्लांट्स,
एकदम बहुत प्यारे प्यारे हैं। और देखो पूरा नेचुरल स्टोन है क्या? नहीं स्टोन तो नहीं है, पूरा पॉट बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और ये फुली इंडोर प्लांट है। सर व्हाट्स अबाउट दिस वन, वाला उधर वाला लंबा वाला पानी जो पानी में चलता है ये वाला डांसिंग प्लांट? ओ भाई वो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। डिफरेंट प्लांट प्राइस है यहाँ पे, तो स्नेक प्लांट जैसे बोल रहे हैं ये 750 800, तो ये इसको ये वाला अच्छा लगा मुझे, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे डांसिंग प्लांट। स्नेक प्लांट कौन सा? ये बॉन्सा है छोटा वाला। That's 25 years old. हाँ? ओ भाई ये वाला छोटा वाला का नाम क्या? एंथोनियम। एंथोनियम ये अच्छा लग रहा है, लेकिन फूल फूल एक महीने तक चलता है। इन लोग इनका भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, तो जिनको भी परचेज करना हो इससे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। भाई का नाम है राघव शर्मा, ये रे भाई हमारे, और ये रहा इनका कार्ड। यहाँ पे ना थोड़ा सा हमको एक दिखी है कपड़ा बनाने वाली मशीन, तो इससे पहले कपड़ा वपड़ा मतलब कपड़ा तैयार होता था पूरा, ये देख रहा है ये ना धागे इनको ऐसे ऊपर नीचे कुछ करते हैं, तो दो तरीके का कपड़ा है पूरा ये ऐसे। और यार यहाँ पे एक चीज़ और ये अच्छी है कि बहुत प्यारा इन्होंने यहाँ पे डेकोरेटिव किया हुआ है, ऊपर की तरफ आप देखो ये लैम्प पतंगे, और पूरा गाँव वाला सा फील आ रहा है इधर पीछे, पूरा एकदम गाँव वाला सा फील आ रहा है। चलते हैं जो बकरी वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे घूमते घूमते तो दिमाग वैसा हो जा रहा है एकदम, समझ नहीं आ रहा कहाँ घूमे क्योंकि काफ़ी सब कुछ है। तो ये बैम्बू वाला है ना, इसके अंदर चल के देखते हैं क्या इसके अंदर, सब लोग जाए तो रहे हैं। का बैम्बू हाउस है भाई पूरा, ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। अरे वाह पूरा बैम्बू हाउस है ये, ओ तो ये पूरा बैम्बू हाउस है। और निकालने का ये पूरा बुन के दिखा रखा है कि कैसे कपड़ा तैयार होता है मेघालय का। साथ के बंदे तो गए हैं खो, अब हम और हमारा छोटा भाई हमारे साथ रह गया। तो किसी का नंबर नहीं लग रहा क्या? मैम प्राइस हाउ मच? 1000 एनीवन। सो मैम सेइंग इफ यू वांट एनीवन यू हैव टू पे 1000। ओके दिस वन वो, तो यहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे से ही हैं, बहुत प्यारी प्यारी डॉल है ये, और ये घोड़ा जितना भाई तुम्हें दिख रहा है ना। अब बाबा गिर गया रे भाई, मैडम मारेगी, घोड़ा लटक स्टंट कर रहा है नीचे, साउंड आ रहा है जोरदार। आओ एक बार और चीज दिखा, बहुत देर से चल रहे हैं, खाने पीने का कुछ आइटम मिल नहीं रहा है, देखते हैं बाकी लोगों को लगाते हैं फोन खाने पीने। और ये देखो फ्लावर दिखे बहुत प्यारे, दिखाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टिक्स हैं फ्लावर सारे। ओह भैया पर स्टिक क्या प्राइस है? ये कुछ किसका बना है? ये है तो कुछ ओरिजिनल सा मैटर ही भैया। स्टिक इनके प्राइस हैं देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे, ये रहा ये रहा ये रहा। भैया परिस्टिक प्राइस क्या है? एनीवन दिस वन कोई भी? अच्छा ये वाला, अच्छा 50 30 और इधर 20 रुपये परिस्टिक है, चाहे आप कोई सा भी एक ले लो। काफ़ी देर चलने के बाद अब हो चुके हैं फूड कोर्ट में एंट्री, जहाँ पे खाने पीने का आइटम है। दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या आइटम मिल रहे हैं खाने को। मेला जो है काफ़ी बड़े एरिया में लगा है, और हम लोग लगभग 1.5 घंटे से घूम रहे हैं, काफ़ी बड़ा ही है, और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, विदेशों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और खाने पीने का तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है यहाँ पे खाने पीने का आइटम,
तो चल रहे हैं, देख रहे हैं कुछ और हम क्या देख सकते हैं। भीड़ वीकेंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो जब भी आओ वर्किंग डेज पे आओ। तो भाई टेबल तो लगी हुई है कहाँ पर? पूरी पब्लिक है पीछे, वहाँ से ऑर्डर करना पड़ेगा ना। सब यहाँ आपको खाने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, राजस्थानी फूड्स, ये प्राइस भी है इनके। अपन आए पिज़्ज़ा पॉइंट पे, तो ये रहा, और इसके लिए आपको लेना पड़ेगा टोकन। टोकन मिल रहे हैं पीछे कुछ ऐसे, तो ऐसे कुछ टोकन लेने पड़ेंगे और तभी आपको यहाँ से पिज़्ज़ा मिलेगा। यार देखो यहाँ पे ये आइसक्रीम भी बन रही है, लेबर लगा दो बराबर। भैया कितने का है ये फ्रूट आइसक्रीम? फ्रूट है ना, कितने का उस्ताद जी? कतई मज़ा आने वाला है, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों, कितने का है? 100 रुपए का है? कितने का पैसे, कितने का है? 100 का है। बंदे ही खो जाते हैं और नंबर भी, नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अभी और दोस्तों को फोन किया है, वो मेरा वेट कर रहे हैं, 225 पे वेट कर रहे हैं। और अभी हम जहाँ पे हैं, हम वो 189 के आसपास घूम रहे हैं, देखते हैं भाई लोग कहाँ हैं। और ये देखो क्या आइटम पीछे, तो यहाँ पे गुड़िया को दिखा रहे हैं मूवी, गाने शाने पुराने जमाने वाले। तो यहाँ से कुछ ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या कुछ नज़ारे देख रहे हैं। अलग ही फील है, एकदम ठंडी ठंडी हवा है। कुछ दिखाता हूँ इस तरफ, और पूरा डेंस है, पेड़ पौधे तो अच्छे खासे। थोड़ा ऊपर आने के बाद देखो यहाँ पे ये एक बड़ा सा कुछ, क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है विवेक? कपल्स पॉइंट, ये लव पॉइंट है। हाँ, मॉल ऑफ चाइना, जैस्मिन, मॉल ऑफ चाइना, निकिता आज आज आपको नाम दिखाता हूँ, आपको नाम दिखाता हूँ। तन्नू की रानी, सोनू की जवानी, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और बात तो सही कह रहा है, जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ पे पॉइंट बनाया हुआ है ना। और ये सोनू, ये घर भी तो है इधर जैसे। हाँ, तो अभी यहाँ पे आ चुकी है, जाके आ रही है, और शाम का बदरा भाई, सारे भाई लोग साथ में हाय कर दो। सुनो विवेक,
पंजाबी जाति अपना देश पंजाबी नाइजीरिया वाला और तुझे कौन सा लगा युगांडा पंजाब है और अपने को राजस्थानी मुझे वो अच्छा लगा जो लास्ट में बंदर से नहीं आया था नाचते हुए एकदम एनर्जेटिक क्यों था युगांडा है क्या युगांडा रात और इसको पूरा कवर कर पाना मतलब नामुमकिन है। एक दिन में काफी बड़ा एरिया या काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे जो अपने इंस्टॉल लगा के बैठे हुए हैं और अपने प्रोडक्ट यहाँ बेच रहे हैं, तो जिसको भी आना है वो यहाँ आ सकता है, काफी बढ़िया है। और 19 तारीख तक ये मेला यहाँ लगा हुआ है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय टाटा एंड टेक केयर। तो हमने मिस करा वो सबसे ज्यादा अमित को मिस करा। अमित भाई खेल गया गुरु। अमित भाई को मैंने सबसे पहले बोला था लेकिन वो आया नहीं, लेकिन तू नहीं आया, धीरे धीरे करके सब। लेकिन हमारे साथ एक बावड़ा आया, बावड़ा नौनी की जितनी भी वीडियो है वो हटा दी जाएं।